नमस्कार दोस्तों, दशक भाई में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिन साहब डेरा सचा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, करवाते हैं आपको उन लड़कियों से बातचीत जो डेरा सचा सौदा में जाती रही हैं। क्या है डेरा सचा सौदा का माहौल, करते हैं इनसे सीधी बातचीत। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? समीक्षा। समीक्षा जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं MSc बीएड। करंटली क्या प्रोफेशन है मैम आपका? मैं टीचर। मैम, डेरा सचा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं बचपन से ही जुड़ी हुई यही थी। कैसा इन्वायरमेंट लगता है मैम? इससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कहीं किसी और जगह का होगा भी। और बहुत सारे अगर देखें तो संस्थानों पर हम लोग जाते भी हैं तो उस इससे बेटर इन्वायरमेंट कहीं भी नहीं है। इसलिए बचपन से ही अगर कहीं जुड़ा जाए तो ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर हम लोग मोटिवेट होते हैं किस एज में आके क्या स्टेप उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए। एक एक गाइडेंस हमारे को गुरु जी द्वारा दी जाती है। बींग गर्ल कैसा महसूस कर? बींग ए गर्ल इससे प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट आई थिंक उसका होम भी नहीं होगा जितना प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट यहाँ है। कभी आपने किसी से सुना हो अलग तरीके का माहौल यहाँ पर जहाँ महसूस किया हो? नहीं, एक्चुअली घर की बात एक्चुअली पता होती है ना, घर वालों को ही पता होती है तो दूसरों का काम तो बोलना होता है। तो हम लोग इसी घर से जुड़े हैं तो हमें पता है हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। गुरु जी का नेचर कैसा है? गुरु जी का नेचर तो नेचर से भी ऊपर वाली बात आ जाए तो एक एक चीज़ इतनी प्रोटेक्शन। इवन हम लोग अगर गर्ल्स की प्रोटेक्शन की बात करें तो गुरु जी ने बहुत मोटिवेट किया है भी नारी को अबला नहीं सबला बनाओ। तो उससे इससे ऊपर मुझे नहीं लगता भी इससे ऊपर कोई और बात हो सकती। करेक्टर कैसा है मैम उनका? जो नारी को अबला से सबला बनाने की बात कर रहे हैं उनके ऊपर तो करेक्टर के का उनका ऑफकोर्स हाई से भी सुपर हाई होगा। लेकिन मैम चंद मीडिया के लोगों के द्वारा उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, क्या कहना चाहोगे? मैम देखो, जो चीज़ अगर अच्छे काम में बढ़ती है तो पॉपुलैरिटी होती है तो लोग जलते हैं तो उसको नीचे लाने के लिए अलग अलग तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं वो सारे इल्ज़ाम सही हो। तो इस इतनी यहाँ पर अगर अब यहाँ पर गुरु जी की एब्सेंस में भी इतनी संगत यहाँ पर आती है तो इट मीन्स कोई बात है, तभी वो यहाँ है। तो वो मीडिया वाले आकर यहाँ देखें जिनको गुरु जी ने आठवां स्तंभ बताया था और वही आज उन्हीं के अगेंस्ट हैं तो वो तो बढ़ती हुई चीज़ को रोकने वाली बात है। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, आप किस सोच के साथ आ रहे हो डेरा सचा सौदा में? अगर हमारी सोच शुरू यहीं से होती है और ख़त्म भी यहीं से होती है इसलिए हम इसी सोच से कि अगर लाइफ में कुछ पाना है तो यहाँ से अटैच होकर यहाँ से जुड़कर ही पा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। क्यों मैम, इन्होंने किया क्या है सोसाइटी के लिए? इन्होंने सोसाइटी के लिए आप लोग बताएं तो आर्मी के लिए इतना इतना ब्लड और कोई भी डोनेट नहीं करता। आईज डोनेट, जीते जी गुर्दा दान, आफ्टर डेथ बॉडी डोनेशन, इससे ऊपर तो और कोई कार्य हो ही नहीं सकते। और इस पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे कार्य कोई और नहीं कर रहा होगा जो कार्य गुरुजी कर रहे हैं। मैम हम गुरुजी ने हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है? गुरुजी का तो हाथ ही, गुरुजी का मेन एम ही यही है भी मैंने अपने देश को आगे लेके जाना है। डर्टी इंडिया कहा जाता है हमारे इस देश को और गुरुजी का मेन मकसद ही यही है कि ये जो भारत है ये संस्कृति का देश है, कल्चर का देश है जिसके आगे डर्टी शब्द नहीं रहता। तो उनका एम ही यही है भी मेरा देश महान है तो उसी को ही मैंने आगे लेकर जाना। किया क्या है देश के लिए? सफाई अभियान, इतने जगह जगह पर जाकर गुरुजी ने स्वयं झाड़ू लगाए हैं भी यहाँ पर अगर हम लोग सफाई रखेंगे। अब कुत्ता भी अगर बैठता है तो वो पूंछ मार कर बैठता है लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें इस चीज़ का गुरुजी ने ही दिखाया है भी जहाँ जाओ सफाई से जाओ। अगर हम लोग बोर्ड पे भी जा रहे हैं हम लोग खुद इतना गंद मचाते हैं दूसरों को तो हम लोग क्या कहेंगे। तो हमें सेल्फ मोटिवेशन सबसे पहली बात होती है जो गुरुजी ने सिखाया है भी सबसे पहले खुद का काम करो, बात सेल्फ मोटिवेट होगी तभी आपको देखकर दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। हमारे देश की मिलिट्री के लिए क्या रहा है? मिलिट्री के लिए ब्लड डोनेशन है, जब उनको ज़रूरत हो किसी भी सेवा की तो हमारा देश तैयार है। हमारा ये जो संस्था है ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की संस्था है जहाँ पर आई थिंक अभी इतनी जल्दी मिलिट्री भी नहीं पहुँच पाती जहाँ पर गुरु जी की ये सेना पहुँच जाती है। मैम हम एक दिखाया जाता था कि 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या सच्चाई है उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड? ऑफकोर्स, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो ऑब्वियसली वो किसी बाहर वालों ने ही आकर दिए हैं, स्वयं यहाँ पर गुरु जी ने तो अपने आप या फिर कहीं और किसी और की बात करें जो भी पर्सनली अपने आप बनाए हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो वर्ल्ड की मेंटेनेंस को देख के ही बनाए जाते हैं तो वो ऑफकोर्स वो एक सच्चाई है तभी आकर। क्या आज नीड है उनकी सोसाइटी को? ऑफकोर्स, उनके बिना तो सोसाइटी है ही नहीं, अदरवाइज सोसाइटी ख़त्म है। क्यों मैम, मतलब क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से सोसाइटी के ऊपर? इन 3-4 सालों में हम लोगों ने देख लिया, अब कोरोना हमने आज तक नहीं सुना था, ऐसी बीमारी जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलाने से ही वो चीज़ बढ़ रही है तो इससे ज़्यादा और प्रभाव
तो मुझे नहीं लगता इससे भी बुरा कोई प्रभाव होगा, जहाँ पर आपस में हम लोग मिलकर दुख सुख भी बांटने योग्य नहीं रहे हैं आज इस कोरोना के टाइम में। संत जी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? संत जी अगर समाज में वापस आ जाते हैं तो समाज का एक नया ही रूप होगा। एक अगर बात करें तो कलयुग के सतयुग में बदलने वाली बात आ जाएगी। सतयुग आ जाए तो किसी भी तरह का जुर्म भ्रष्टाचार ये जो सरकार लगी हुई है हटाने में इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, अपने आप ही ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। क्या आप समाज के लोगों को क्या बताओगे, पब्लिक को क्या अवेयर करोगे? भी लड़कियों के बारे में मीडिया में बहुत अलग दिखाया जा रहा था, लड़कियों के अंदर बहुत अलग तरीके का अंदर सोच है डेरे को लेकर या गुरु जी को लेकर, आप यहाँ का फैक्ट हो क्या बताओ? मेरा फैक्ट यही है कि अगर हमें किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो वहाँ खुद आए, उस चीज़ के बारे में खुद जानकारी लें। मीडिया का काम होता है एक खबर को 10 नई बातें अटैच करके बताना। वही मीडिया थी जो गुरु जी थे तो गुरु जी के बारे में खूब उनकी चर्चा होती थी, उन्हीं के पीछे थे। आज वही मीडिया है जो गुरु जी अगर वहाँ किसी कारणवश अगर वहाँ हैं तो वही मीडिया जो उन्हें बदनाम करने में है। तो अगर आपने कोई सच्चाई जाननी है किसी के बारे में तो खुद आए, खुद उसके ऊपर देखें, दूसरों पर विश्वास करने वाली बात नहीं होती। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे भी गुरु जी को जल्दी से बाहर लेके आएं, बदलाव आपके सामने ही आ जाएगा। बदलाव पहले भी था, अब भी होगा और बहुत अच्छा बदलाव होगा, ये भी सरकार तो खुद ही देखने लगी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं हम उन लड़कियों से बातचीत जो डेरा सच्चा सौदा का फैक्ट है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, ये लड़कियां सवाल कर रही हैं समाज से कि आखिर क्यों मीडिया ने चंद सूत्रों के हवाले से बदनाम किया डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों को वे गुरु जी को, ये लगातार सवाल कर रही हैं, लगातार जो सवाल है उठते जा रहे हैं और सरकार से मांग बढ़ती जा रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा के लिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट है और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।